नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। हापुड़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। जिले में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये व्यवस्था 26 अप्रैल तक लागू रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डीएम अनुज सिंह ने ये निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर नगर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में एसडीएम सदर और डीएसपी ने लोगों में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पैदल मार्च निकाला और लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करने के लिए जागरूक किया है। साथ ही साथ नगर कोतवाली पुलिस द्वारा अतरपुरा चौराहों पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया। वहीं कर्फ्यू का पहला दिन कल रहा था, इसलिए सड़क पर कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत दी गई और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था उनमें से कुछ के चालान भी किए गए हैं। मथुरा में कोरोना संक्रमण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में 735 एक्टिव केस हैं, जिसकी वजह से जिलाधिकारी मथुरा द्वारा पूरे मथुरा जनपद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जिसमें रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। नाइट कर्फ्यू का शत प्रतिशत पालन कराने और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है और नाइट कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है। जिलाधिकारी नवनीत चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने भी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं को परखा, साथ ही संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामपुर में जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलाह के काफिले को सिख किसानों ने दिखाए काले झंडे, जिसके बाद मंत्री को अपनी ही विधानसभा में विरोध झेलना पड़ा। किसानों ने मंत्री को अपशब्द भी कहे और थ्री स्टार खाकी वालों ने किसानों को धमकाया, बोला मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुमको बताऊंगा, तुमसे ज्यादा किसान मेरे गांव में बसते हैं। कई पुलिस कर्मियों ने किसानों को दौड़ाया। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर धरना करने वाले किसान मजदूर संगठन के लोगों ने ये झंडे दिखाए हैं। तहसीलदार, एसडीएम, सीओ समेत भारी पुलिस की मौजूदगी में मंत्री को ये काले झंडे दिखाए गए। उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल गोरखपुर संसदीय सीट पर भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक रवि किशन 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। वहीं पंचायत चुनाव में फिर एक बार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगातार वो जनता से अपील कर रहे हैं, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। हापुड़ सदर बीजेपी विधायक के गनर और कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपिटाई की। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से ये पिटाई की गई। शहर विधायक विजय पाल अताड़ी की मौजूदगी में गनर और कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपिटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि पूरी घटना कल शाम की बताई जा रही है। थाना तिहार क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला। और यह आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाड़ियों में खुलेआम झंडा बैनर लगाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेताओं द्वारा कानून का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की जिस तरह से स्पीड बढ़ रही है उसी को लेकर जहां अधिकारी चिंतित हैं, तो वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज मथुरा में अधिकारियों के साथ बैठक की और मथुरा के स्थानीय अधिकारियों से पूरे हालातों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही जिला अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना के बचाव कार्यों की तैयारियों को लेकर डॉक्टरों से भी जानकारी ली, जिसके बाद बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से लोगों को कोरोना से बचाव कार्य के लिए काम कर रही है और सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है तथा लोगों से अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि कोविड नियम का पालन जरूर हो। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम वक्सेना में रहने वाले होमगार्ड पिता की उसके ही छोटे बेटे ने ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि होमगार्ड का छोटा बेटा विकास शराब के नशे का आदी था, जिसको लेकर अक्सर उसके पिता से उसकी अनबन होती रहती थी और कल भी ऐसा ही हुआ। कल भी शराब पीने को लेकर होमगार्ड ने विकास को डांटा था, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। होमगार्ड की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। श्रावस्ती पंचायत चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने प्रेस वार्ता की। चुनाव को लेकर सभी तैयारियों को पूरा बताया और कहा कि बिना मास्क के मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कैमरे की नजर रहेगी। पीएससी के जवान भी मौजूद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडो नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। शांति और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। मुजफ्फरनगर में विवाहिता का फांसी लगाकर आत्महत्या करने का लाइव वीडियो सामने आया है। आत्महत्या का वीडियो वायरल होने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने पर पुलिस ने सास ससुर को गिरफ्तार किया है, जिसमें पति समेत अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं। पूरा मामला थाना छपार क्षेत्र के गाँव दतियारा का है।
संबल की हयातनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने और अध बने असलाह भी बरामद किए हैं। इसके अलावा असलाह बनाने के उपकरण भी पुलिस ने मौके से कब्जे में लिए। ये बड़ी सफलता पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मिली। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को चेतावनी दी गई है, तो वहीं एक ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी द्वारा भी प्रधान बनने के बाद पुलिस को देख लेने की बात कही गई। भरी सभा में इस बात का जिक्र किया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा प्रधान पर कड़ी कार्रवाई की गई है। 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल उम्मीदवार गाँव से फरार बताया जा रहा है। कुशीनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद कुशीनगर में चुनाव ड्यूटी जाने पर पुलिस बल को ब्रीफ कर रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक ने चुनाव ड्यूटी में जाने वाले समस्त पुलिस बल को निष्पक्षता और निष्ठापूर्वक ड्यूटी करने तथा चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और समस्त पुलिस बल को कोविड-19 के प्रभाव से बचाव के दृष्टिगत मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिगण, प्रतिसार निरीक्षक आदि अधिकारी और कर्मचारीगण मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।